तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पागल क्या है, जरा देखो तो। डॉक्टर साहब, हाँ, वो पागल गर्भवती मंदिर के अंदर घुसी हुई है, चलो देखते हैं। मंदिर के अंदर पागल ने बच्चे को जन्म दिया है। ये क्या अनर्थ हो गया, हमारा मंदिर अपवित्र हो गया, लगता है गांव पर कोई आफत आने वाली। हे भगवान, पता नहीं हमसे क्या पाप हो गया, 3 पीढ़ियों से मंदिर की पवित्रता बनी है, पागल ने बच्चे को जन्म देकर इसे अपवित्र कर दिया। ये देखकर ऐसा लगता है हम लोगों पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ये बात तो शास्त्रों में भी लिखी है। हे भगवान, मेरी बेटी मुझे अकेले छोड़कर चली गई, क्यों चली गई मेरी बेटी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। ये लीजिए, आपकी बेटी ने एक लड़के को जन्म दिया, इसे संभालिए। शास्त्र विद्या के अनुसार भगवान किसी वजह से नाराज हो गए हैं, इसका निवारण असंभव है, इसीलिए भगवान की आज्ञा मिलने तक हम लोगों को ये मंदिर बंद रखना होगा। इसकी पागल बेटी की वजह से ये मंदिर बंद हो गया। यहां पर पागल कौन है मां?
आपकी बेटी पागल नहीं थी, ये सारा संसार ही पागल है। स्वयं भगवान ने आपकी बेटी का प्रसव कराया है। माँ, ये बच्चा एक चमत्कारिक बच्चा है। इस बच्चे को भगवान ने स्वयं देखा है और बच्चे ने भगवान को देखा है। ये बालक अवश्य अद्भुत काम करेगा। समय का इंतजार करो, ये आगे चलकर भविष्य को अवश्य बदलेगा। अल्लाह माली। हे भगवान, इस नन्ही सी जान की वजह से मंदिर बंद हो गया। इस कारण मेरे बच्चे को किसी भी तरह की सजा मत देना भगवान। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके पालन पोषण में आपको मेरा साथ देना होगा। रुको बेटा, मैं दूध लाती हूँ। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्कृष्ट नरशादूला। इस नन्हे चमत्कारी बच्चे को आप कहाँ से लाई हैं? स्वयं भगवान ने अपने अंश का दूध ही से पिलाया, इसकी रक्षा वही करेंगे। मेरे बच्चे को दूध स्वयं भगवान ने पिला दिया है। जय कृष्णा मुकुंदा मुरारी, 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 जय कृष्णा मुकुंदा। अरे बस भी कर अर्जुन, बस कर, अब कॉलेज जाने का समय हो गया है। मूर्ति लेकर क्यों बैठा है? क्या कहा, मूर्ति? हाँ, ये कृष्णा है मेरे दोस्त। अंधी हो क्या? चुप रहो। वो मैं जानती हूँ, तू कॉलेज जा, टाइम हो गया है, जल्दी कर, जा भी। मैं रोज कॉलेज जाता हूँ गाड़ी से, उसके बाद भी तुम रोज कृष्णा से बात करने को रोकती क्यों हो? भूल गई क्या? कृष्णा, तुम इस बुढ़ी नानी की गलती को क्षमा कर दो और यहाँ सभी को खुश रखो। रम्या, रेनू, राजेश सभी बहुत अच्छे हैं, सबको अच्छे मार्क्स से पास करवा देना और इस संसार में हर किसी को खुशियां देना। एक बार मुझे बांसुरी बजा के तो दिखा। थैंक्स कृष्णा। ओह, आपको इंग्लिश नहीं आती ना? धन्यवाद। सुनो जी मालिक। सबने खाना खा लिया? नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जी सुनो जी, बच्ची कॉलेज गई क्या? जी नहीं, वो तैयार हो रही है। मेरी बेटी को एक खूबसूरत सा राजकुमार मिल गया बस। ए, मेरी लड़की के साथ मजाक करने से पहले अपना आपको देख। ए, 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 तू कॉलेज जाने से पहले रोज यहाँ क्यों आ जाता है? साथ में कॉलेज जाने के लिए। हाँ, सड़क छाप लड़का सज धज कर कॉलेज जा रहा है। दीदी ने दिया है, कहिए तो उतार के दे दूँ। अरे रहने दो। तुमने इसे नई ड्रेस क्यों दिलवाई? इसमें क्या हुआ जी, सत्या रोज हमारी बच्ची के साथ कॉलेज आता जाता है। हाँ। तो इसके कपड़े भी तो तरीके के होने चाहिए ना। ये रोज ऐसे ऐसे कपड़े पहनेगा तो इस गे को यहाँ का गुमाश्ता समझेंगे। ये क्या कह रहे हैं पिताजी, इसकी नानी रिटायर हो गई है, उनकी पेंशन के बदले में ये ड्रेस खरीद कर दिया है। हाँ। उनका आशीर्वाद मिला तो अब 100 साल जिएंगे। सही कहा बेटी। मालकिन, पहले नानी मौसी थी पर अब वो बूढ़ी हो गई है और अब मुझे भी गे कह रहे हैं। हर रोज मेरा नाम बदलते रहते हैं, मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते क्या? अरे बाप रे, इसे भी गुस्सा आता है, थोड़ा संभल कर जाना। बाय बाय नानी माँ। बाय बाय बेटा, संभल कर जाना। आओ आओ, यहाँ से 2 कदम पर ही तुम्हारा घर है, फिर भी लेट आ रही हो। जाओ जाकर अपना काम करो जल्दी। अर्जुन लड़के वालों से बात करने के लिए गया है और सत्या मेरी बेटी के साथ कॉलेज गया है। जाओ। अभी काम करती हूँ। ओहो, क्या स्टाइल है बाप, इसके सामने तो गाड़ी भी बेकार लग रही है यार। कॉलेज आते समय अपने हाथ में 2 किताब ही नहीं लाती, बहुत घमंडी है। hey, तेरे बाप का कुछ खाती है क्या जो बेकार के कमेंट कर रहा है? कमेंट नहीं भिड़ू, आज मैं दिखाता हूँ इस आइटम को क्या चीज हूँ मैं। हाँ।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तुम जाओ महेश हाँ, तेरे वो ज्योतिष किस तरह के हैं वो ज्योतिष ब्रह्मानंद ब्रह्मेश्वर वंशज का है पिताजी तुम्हें किसने बताया उसने बताया वो खाली बोल बच्चा नहीं सही में मुझे देखना है उसे वो बहुत सारे अवार्ड पा चुके हैं आप उनके बारे में नहीं जानते वो पहुँचे हुए विद्वान है मिलो क्या हाँ पिताजी मेरी कुंडली देख कर मेरी शादी होगी या फिर उम्र भर में कुंवारा रहूंगा ये पूछते अबे तेरी शादी तो होके रहेगी उससे पहले मैं तेरी ये कुंडली दिखा लेता हूँ आप ये लड़कियों की तस्वीर दिखाएंगे उन्हें हाँ बेटा पहले ये दिखाऊंगा इनका भविष्य उसने सही बताया तो वो सही होगा नहीं बता पाया तो ढोंगी होगा आहा पिताजी आपने देखा कितने सारे अवार्ड हैं नमस्ते पंडित जी ये मेरे लड़के की कुंडली है जरा देख कर बताइए कि मेरे लड़के की कुंडली किससे मिलती है एक चतुर नाम बड़े इसकी तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने वाली है मैंने पहले ही कहा था करेक्ट इसका तो शीघ्र विवाह होने वाला है ये भी मैंने पहले ही कहा था अरे वाह वाह इसका रिश्ता बड़े घर में होने वाला है ये भी कहा था मैंने पहले ही बड़े बड़े लोगों में इसका नाम शुमार होने वाला है ये भी तो कहा था मैंने पहले और फिर उसके बाद ये सेंट्रल मिनिस्टर बनेगा बेटा ये बोल बच्चन है मैंने तुझे पहले ही कहा था और फिर उसके बाद बस इसकी आयु के बारे में बताइए आयु के बारे में हाँ जी आहा बहुत ही दीर्घ आयु है इसकी माँ के पेट से ही लिखा कर लाया है पैदा होने से मरने वाले दिन तक जिएगा ये अरे अरे इसे क्यों मार रहे हैं भला ये किसकी जन्म कुंडली है तुझे कुछ पता भी है क्या बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए थे ये उनकी जन्म कुंडली है मरे और जिंदा आदमी के कुंडली में फर्क नजर नहीं आता क्या कैसा ज्योतिषी है तू इस बोर्ड को निकाल के जला दे सुनिए ज्योतिष को क्या मालूम होता है कि कौन जिंदा है और कौन मर गया है चलो बेटा पुलिस में कंप्लेंट करवानी चाहिए चलो सुनिए जी मैं मंदिर चौक कर आती हूँ जा जल्दी से जाओ और तुरंत वापस आ जाओ अरे रुक जाइए मेरी बीवी है ये आज तक इतना मुझसे कभी नहीं चिपकी जितना तू इससे और ये तुझसे चिपक रही थी मैं तो बस अपनी गाड़ी चलाते हुए आ रहा था मैंने देखा ही नहीं चुप रह जा यहाँ से ठीक है कहाँ जा रही है जाओ 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 ये सब उठाओ और उस तरफ जाओ अर्जुन गाना क्यों गा रहे हो अरे बाप रे क्या मेरी आवाज वहाँ तक चली गई? हमसे बात नहीं करोगे कट्टी लोगे फिर गाना गाकर हमको यहाँ बुलाओगे अकल नहीं है क्या आप जब गाना गाते हो हमारी क्लास तक सुनाई देता है क्लास ही क्यों पूरा स्कूल ही सुनेगा इतनी जोर से गाऊंगा सुनो दक्षिण में छा जाओ दुनिया है अपनी धरती है अपनी बच्चों ना घबराओ सारी यहाँ पे ना मम्मी
ना पापा ना दादी ना दादा, फिक्र करो नहीं, मैं गुना हे मैं गुना हे हट 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 हू हे चुटकी बजा के तुम चंदा को छूलो, तुम में है शक्ति ना भूलो, बादल को लपेट के बिजली को बांध के हो झूला बना के तुम झूलो। बच्चे होते शरारती, चॉकलेट की करते जिद भी, बादल से बरसेगी ये कुल्फी बसुकी, बच्चों ना डर ये लो अपने पास रखो। क्या ये? ये एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं। कोई देखेगा तो कॉलेज से निकाल देंगे मुझे। मैं अपने पास क्यों रखूं? तुम्हें यहाँ सभी जानते हैं, किसी को तुम पर शक नहीं होगा। एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर बदल चुके हैं, बहुत से लड़के लड़कियाँ फेल हो जाएंगे। तुम चाहते हो ना कि 100 में से 100 मार्क लेकर आए? तो फिर ले जाओ, उसे दे दो, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ गुड बाय। मालकिन, क्या है ये? अरे लो ना बाबा, जरा खोलकर तो देखो। उस लेटर का क्या हुआ? क्या यार, तुम सब देखते हो ना, मैं तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ, और तुम लोग ऐसे सवाल मुझसे ही पूछ रहे हो। वैसे उस पागल के हाथ में चिट्ठी दे दी है। बहुत अच्छा किया। क्या बात है मालकिन, इस तरह से गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी से उतरो। वो क्यों? सेल्फ काम नहीं कर रहा, इसलिए कहा, उतर कर धक्का लगाओ। तो ये बात है, आप बैठ कर मेरा कमाल देखो, चलो। अब 6 किलोमीटर तक पैदल चल के आ, इडियट। मुझे लेटर देगा? लेटर? अरे अरे मालकिन, मालकिन! बापरे, उधर से ब्रेक छोड़ा तो सीधे यहीं आकर कार रोकी क्या? 6 किलोमीटर पैदल चल के तुझे साथ में रखवाली को भेजता हूँ, या लव लेटर देने को भेजता हूँ। लव लेटर देगा तेरी इतनी मालिक, मालिक मार रहे मालिक। घर के एक नौकर को सपोर्ट करने दूसरा नौकर आ गया, तुझे तो क्यों है तेरी इतनी हिम्मत? तुझे तो मैं ऐसा काम अर्जुन भूल के भी नहीं करेगा। डैडी उसने लेटर क्यों दिया? हम उससे पूछते हैं, आप उसे मत मारो। डैडी, ये बेचारा तो इतना भोला है कि इसे अमीर गरीब में फर्क ही नहीं पता। ठीक है, मेरे बेटी को लेटर देता है, भाग जा यहाँ से। मैंने कहा भाग यहाँ से। कृष्णा, तू तो सब जानता है ना, फिर भी तू सब खामोश देखता रहा। तेरे पास बंसी बजाने के अलावा और कोई काम नहीं है। मार खा खा कर मेरे गाल लाल हो गए, वहां सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई, पता है? मुझे अपना दोस्त कहते हो, झूठे कहीं के।
कभी कभी वो तुमसे रूठता है तो कभी दिल से बात करता है। उसके साथ क्या होने वाला है ये तुम्हारे सिवा कौन जानता है। मेरे बाद उसका क्या होगा। तुम ही उसका सहारा हो, तुम ही हो। बाबा मेरा एक प्रश्न है, नहीं सुनना तो मैं जाता हूँ। अरे बाबा बोलो। नीलकंठ को सभी पूछते हैं कैसे। ये कोई प्रश्न है क्या? तू मुझ जैसे ब्राह्मण को आखिर समझता क्या है? पू 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 शंख को बजा के तो उसे गूंगे कैसे बजाएंगे? पू करके। ठीक है, तो मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। मतलब गूंगे के साथ अच्छे लोग मिलकर वो भी गूंगे की तरह गूंगे बन जाते हैं, है ना? मैं वर्षों से काम किए जा रहा हूँ, ना प्रमोशन होता है ना ही पगार बढ़ती है। कैसे बेटा, चलो आ जाओ मेरे पास। टेंशन लेके कोई फायदा नहीं जब धंधा मंदा चल रहा हो, इसीलिए मैं ज्योतिषी जी से मिलकर सलाह लेने आया हूँ। तू बेकार के सवाल करके मेरा धंधा क्यों खराब कर रहा है? काम की बात है तो बोलो मुझे। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, काम धंधे के बारे में क्या जानू। लेकिन मेरा टाइम खराब हो रहा ना, बेकार की बातें मत कर। बाहर अगर कोई बैठा है तो उसे अंदर भेज। मुझे अपने धंधे से चार पैसे मिलते हैं, जिससे चार पैसे मिले उसे धंधा कहते हैं। पैसे देने वाले बाहर बैठे, उन्हें भेज। ज्योतिषी जी, मुझे अपने धंधे से चार पैसे मिलते हैं, बाहर अगर कोई बैठा है तो उसे अंदर भेज। ये लो, तुम अपने बच्चे को संभालो, मैं अभी आता हूँ। ये तुम्हारा बेटा है? कुर्सी आगे करके बैठ जाओ। अच्छा जी। बाबा मुझे छोटा सा डाउट है। तुम चुपचाप खड़े रहो। बाबा एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो। क्या बात है, बाहर जाकर बैठ। बाद में प्रॉब्लम हुई तो मुझे मत कहना, ठीक है? तुझसे क्यों कहूंगा, काहे का प्रॉब्लम है? जाता कि नहीं तू बाहर? जा रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर घबराहट की लकीरें क्यों दौड़ रही हैं? वो मालिक जरा पगार बढ़ाने में आना कानी। मालकिन के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है? तुम अपनी बातों पे इस तरह शटर क्यों डाल रहे हो? शटर ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, वो तो समय को देख हालात के हिसाब से कभी कभार। और कुछ मत बताओ। सुबह सुबह उठकर अच्छी तरह स्नान करके भगवान को प्रणाम करके अगरबत्ती जला के काम शुरू कर दो बस। ये तो मैं रोजाना करता हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ जी। कोई फायदा नहीं हुआ? एक रास्ता और है। वो क्या जी? कोई मौका देख के फरार हो जाओ। फरार हो जाओ? सेठाने के साथ डेवलपमेंट शुरू कर दो। मेरी माँ, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, मालकिन के साथ भागने को बोलता है। थप्पड़ याद रखना कमीना। फीस की जगह ये मुझे थप्पड़ मार कर चला गया यहाँ से। आप जाइए अंदर, बच्चे को मुझे दे दीजिए। आप इसे संभालेंगे? मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। ये तो बहुत बड़ा ज्योतिष लगता है, लगता है मेरा भाग्य खुल जाएगा। नमस्कार पंडित जी। तुम्हारी शादी हो गई क्या? 5 साल पहले ही हो गई। मेरे जैसे ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाई थी? उसमें ज्योतिष को दिखा कर क्या फायदा। ओह, प्रॉब्लम तुम्हारा कुछ और ही है ऐसा लगता। सही कहा, रात दिन गधे की तरह बिना गैप किए मेहनत करते रहता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या आपको इतना झटका क्यों लगा महाराज? सुबह 7 बजे से बिना गैप के मेहनत करते हो, फिर भी कोई फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स, अब आगे भी फायदा नहीं होगा। लगातार 1 वीक, 7 डेज, हफ्ते में 7 दिन, 1 मिनट भी बिना आराम किए सुबह से लेकर रात तक मैं लगा रहता हूँ। शर्म नहीं आती? बच्चा नहीं हो रहा है तो बाहर के लोगों से अपनी बीवी को दिन रात सताते रहते हो। मुझे बच्चा नहीं है, तुमसे किसने कहा? तो इतनी देर से तुम बता क्या रहे हो? अबे कमीने, मैं अपने धंधे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक बच्चे का बाप हूँ, समझा क्या तू? मेरी बीवी मुझ पर जान छिड़कती है और मैं उस पर जान छिड़कता हूँ। तूने मेरे बारे में गलत धारणा रखी। ले, ले। मा, दोनों मार कर चले गए ब्याज के साथ। ओए, कैसा लगा तुझे मेरा झटका? मालकिन, आप एक इशारा कीजिए, एक ही बार मैं इन घोड़ों को गधा बना दूंगा। आप अंदर जाइए। हाय। गुड मॉर्निंग। मालकिन, आप क्लास में जाइए, उन घोड़ों को गधा बनाने का मेरा काम अभी बाकी है। आप ये लीजिए। बिल का पैसा लाया क्या? अरे यहाँ नहीं ला सकते यार, शाम को पिएंगे ना। उस जोकर से मूड बनाते, चलो यही अच्छी बात है। क्यों बे? क्वेश्चन पेपर बोलकर तूने मुझे गलत पेपर दिया, तेरी तो। क्यों बे? देखो मेरी बात सुनो, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे मारेगा। सुनो, हेकड़ी दिखाता है मेरे सामने, कहीं का गुंडा है तू, मेरी कॉलर पकड़ेगा तू।
इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मार खा रहा है बेचारा, रुकना तो। ए, क्यों रोकूं मैं? उसके हाथ नहीं है क्या? वो नहीं मार सकता। अच्छा, नीचे रखो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कॉलेज के बाहर निपटो, कैंपस के अंदर नहीं। जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल मैडम की वजह से तुम लोग बच गए आज। देख लूंगा, दोबारा तुम लोग नहीं बचोगे, समझ लेना। ए, चलो बाहर, अब क्या है? तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, इसलिए क्वेश्चन पेपर समझ कर लेटर दिया होगा। अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए हमें क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने हम सभी को अच्छा खासा दिमाग दिया है, अगर हम सभी सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब है भगवान एग्जाम में बताने आएंगे तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत? पागलों जैसी बातें मत करो, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तभी तो पास होंगे। कोई एक चैप्टर पढ़ लेने से हम लोग पास नहीं हो जाएंगे, सारे चैप्टर दिल लगाकर पढ़ेंगे तभी जाकर हम अच्छे मार्क से पास होंगे। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी बात याद रहेगी, देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं। मालकिन, आपको ये चलेगा या फिर ये चलेगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ये चाहिए। ये हुई ना बात। ए सुनो, इसमें और क्या है? इसमें और क्या है? भगवान को कलश चढ़ाने के बाद कुछ प्रसाद भी चढ़ाते हैं। भगवान खाते हैं क्या? हाँ, तुम नहीं समझोगे। वो क्यों? भगवान को मनाने के लिए तुम्हें पता भी है कि क्या क्या करना पड़ता है? मालकिन, पहला चरण तो पूरा हो गया, भगवान को अच्छी तरह से नहला दिया, पर क्यों? पहला चरण हो या दूसरा, ये सब भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। ऐसा है क्या? फल मुझे मिलेगा? पूजा करने से पहले पुजारी जी हमेशा दूध और गौमूत्र से उन्हें शुद्ध करने के बाद ही पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा एक जैसी होती है पर मंत्र अलग अलग होते हैं। समझ गया। मंत्रोच्चारण से मिलती है मन को शांति। अब पहला और दूसरा चरण पूरा हो गया और ये सब तुम्हें सिखाया मैंने, तो पुण्य मुझे भी मिलेगा। अरे वाह, पाप निवारण की ये तरकीब तो बहुत अच्छी है ना लड्डू? चलो अर्जुन। चलो संध्या, पूजा हमेशा खुद करनी चाहिए तभी सारी मनोकामना पूरी होती है। तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए बेचारे अर्जुन ने बहुत मेहनत की है। देखो, तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई तो वो समझेगा उसके मन की मुराद पूरी हो गई। करने से बढ़कर होता है करवाना, नेवर। भगवान अगर करने वालों को ये सब देने लगे तो इस संसार में सबका भला कभी नहीं होगा। वो मुराद मैंने की थी, वो काम भी मैंने करवाया, इसका फल मुझे मिलेगा। सुनो, तुम स्विमिंग पूल के इंचार्ज हो क्या? नहीं, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ सर। तो फिर एक बात बताओ, इन परियों की नुमाइश करके लोगों को ललचाते क्यों? क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता। नहीं होता तो फिर काहे का स्विमिंग पूल बना कर रखे हो? बुढ़ा सठिया गया है लगता है। नमस्ते नेगेटिव नागराज जी। आओ भाई आओ, बहुत दिनों बाद मिले हो। तो है। आप ठीक तो है ना? मत पूछो यार, क्या बताऊँ। क्या हुआ? बच्चे बड़े हो गए।
अपना तो कुछ चलता नहीं, जैसा वो कहते वैसा करना पड़ता है। यूं समझो बस जिए जा रहे हैं। पहले मैं जवान था, बीबी भी जवान थी, अब मोटी भैंस हो गई। इधर उधर जाकर आंखें सेक लेता हूँ। और तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। बैड लक। और हाँ, मैरी कहाँ है? बेटे प्रेम के साथ में। नेक्स्ट वीक डायमंड एग्जीबिशन होने वाला है, उसी की तैयारी कर रहा है। हॉल बुक करने आया हूँ मैं। तो प्रेम अमेरिका से आ गया क्या? दो दिन हो गए। ज्वेलरी के एड के लिए उसे एक मॉडल की जरूरत है। इंडिया में एक भी लड़की नहीं मिल पा रही, इसीलिए परेशान है। अरे भाई, आखिर क्यों नहीं मिलेगी? डैड, अपने डायमंड की मॉडलिंग के लिए मुझे एक कोहिनूर जैसा हीरा मिल गया है। पर कहाँ? वो देखिए। ये तो मेरी बेटी है, संध्या नाम है इसका। आपकी बेटी? इसी को तुमने पसंद किया? ग्रेट। अपनी ज्वेलरी के एड के लिए मैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने वाला हूँ। मेरे पिता के 200 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी करके आपकी लड़की माला माल हो जाएगी जब मैं उसके फोटो निकालूंगा। फोटो निकालने, पब्लिसिटी करने में ये 200 करोड़ रुपया लगा रहा है तो मेरी बेटी इसकी बीवी बन जाए तो ना जाने कितने करोड़ की मालकिन होगी। What? 25 crores? Yeah. You mean, मेरे फोटो का होर्डिंग्स सारे इंडिया में लगाना चाहते हो? सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। Oh, wow. That's great. I don't mind. Thank you. बाबा? हाँ? मुझे छोटा सा डाउट है। बोलो, तुम्हें जो डाउट हो उसे मैं आउट कर दूंगा। आउट तो मैं करूंगा। नमस्कार पंडित जी। हाँ, हाँ। आप यहाँ पर? ज्योतिष महाराज स्वर्ण कड़ा धारण करता। अब बोलो। ब्रह्मानंद परमानंद जी। तुम्हें क्या कष्ट है बोलो? लाइफ। सुना है आप ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बीमार के बारे में कुछ बता सकते हैं? बीमार के बारे में क्या, मुर्दे की बीमारी बता सकता हूँ। तुम्हें क्या जानना है वो बताओ। ये क्या है भला? जरा गौर से देखिए। किडनी है। और भी कुछ है? हड्डियाँ हैं। हड्डियों के अलावा और क्या है? किडनी और हड्डी के अलावा इसमें क्या है बताओ? तेरी किडनी में जो बीमारी है उससे किडनी सूज कर बैलून की तरह बढ़ कर फट जाएगी, यही तेरा भविष्य है, जाओ। दूसरे ज्योतिषी ने तो कुछ और ही कहा था। क्या कहा था उसने? क्या कहा था उसने बता? मैं बहुत दिनों तक जीऊंगा यही कहा था पंडित जी। ओहो, आहा, तेरा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। उन्होंने भी यही कहा था। तुम बहुत लंबी उम्र तक जियोगे, ये भी उन्होंने कहा था। आहा, सूरज की तरह चमकेगा तू। ये सब तो उन्होंने भी बताया था पंडित जी। ये कुछ नहीं जानता, होता कुछ और है, बताता कुछ और है, ये मेरी कुंडली बिगाड़ देगा। दीजिए मैं जाता हूँ। रुक 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 रुक, तू कौन है और कहाँ मिलेगा? पंडित जी मैं एक अनाथ हूँ पंडित जी। बेटा, मेरे रहते हुए तू अनाथ कैसे हो सकता है? तुम्हारा मैं हूँ ना बाबा। देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि तुम्हें बीच में एंट्री करने की जरूरत नहीं। मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी जानता हूँ, पहले मुझे इस बच्चे को गोद लेने दो। अरे वाह वाह वाह, हमारी मालकिन के सामने तो सिनेमा की हीरोइन भी डब्बा है। हमारी मालकिन के जिस्म पर तो गहने चकाचक चकाचक चमक रहे हैं। बाहर जाओ यहाँ से, बाहर जाओ यहाँ से। मैंने कौन सी गलती कर दी मालिक? गलती तूने नहीं मैंने की, जो तुम्हें इस फोटो देखने की इजाजत दी हमने। चल जाओ यहाँ से। हमेशा भड़कना जरूरी है क्या? जरूरी है, जरूरी है। फोटो मैं रख लूं? Why not? तुम फोटो रखना चाहती हो, मेरा बेटा तुम्हें रखना चाहता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये फोटो निकालना तो हमारा एक बहाना था, हमें तो तुम तक पहुँचना था। मतलब? तुम्हारी मॉडल बहन का हाथ अपने इस बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ, परमिशन दोगे क्या? परमिशन की क्या जरूरत है? You want to marry my sister? Yeah. Yeah, great. आपकी राय तो हम लोगों ने जान ली, लेकिन अपनी बहन से तो पूछिए। तुम्हारी क्या राय बताओ? वो तो गई। इसने करोड़ों रुपए का सपना दिखाकर मेरा जिस्म देखने के लिए ये नाटक किया। कल मैं इससे शादी करूंगी तो ये सारी दुनिया को दिखाएगा।
चल बेटा, तुझे एक लड़की नापसंद करके यहाँ से गेट आउट कर दिया तो क्या हुआ? लड़कियों की कमी है क्या? हम लोग ही यहाँ से गेट आउट हो जाते हैं। मुझे ये रिश्ता पसंद है। अभी रूठी थी, अभी मान गई, दिन है की रात। क्या बोल रहे समझी जी? रूठी लड़की मान गई, समझो अंधेरा दूर हो गया, दिन हो गया। जी मेरी जिंदगी को रात और दिन से जोड़कर मत देखिए। अरे देख बेटा, कोई भी रिश्ता बनाने से पहले हमें कुंडली मिलाने के बाद ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैं चाहता हूँ दोनों बच्चों की कुंडली दिखा ली जाए। बिल्कुल दिखाइए, इंडिया के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष है नीलकंठ शास्त्री जी, उन्हें दोनों की कुंडली दिखा कर ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तब तक हम बचेंगे क्या? मुझसे शादी करके आप जिंदा होना बातें कर रहे हो, चलो यहाँ से। जन्म तारीख है 14/1987, कार्तिक महीने का, रवि गुरु चंद्रमा, केतु शनि 3, 2, 4। क्या हुआ महाराज? आपकी पुत्री की कुंडली के मुताबिक विवाह के कुछ समय बाद बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोनों की कुंडली एक दो स्थानों पर ही आपस में मिलती है। क्या कह रहे हैं महाराज? ये विवाह होने से पहले बच्ची के पति पर मौत का खतरा हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं शास्त्री? ये मैं नहीं कह रहा हूँ बहन, बच्ची की कुंडली बता रही है। आप लोगों ने आज कुंडली दिखाई तो ये बात सामने आई। कुछ लोग कुंडली मिलाए बगैर ही शादी करा देते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास बाद में होता है। पत्नी की आंखों के सामने पति की मृत्यु हो जाती है और ये सब हादसे होते हैं कुंडली ना मिलने की वजह से। शास्त्री जी, इसका कोई निवारण है? इसका कोई निवारण नहीं है, सिर्फ इतना ही हो सकता है, आप अपने कुल देवता को प्रसन्न करें, उसके बाद जो चाहे करें। ये कोई भगवान है क्या डैडी? जैसा वो कहता है वैसा हो जाएगा? मुझे इस पाखंडी की बात पर यकीन नहीं है। बेटा, शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, जिंदगी भर साथ चलने वाला मजबूत मंगलसूत्र से बांधने वाला रिश्ता है ये। इसका फैसला एक झटके से 2 मिनट में नहीं किया जाता। डैडी, मैं कुंडली और जोशी पर यकीन नहीं करता। आप आशीर्वाद देकर ये शादी करा सकते हैं या नहीं? नहीं तो? नहीं तो हम दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर शादी कर लेंगे। क्यों संध्या, जल्दबाजी मत करो, ये हमारे घर का पहला शुभ कार्य हो रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस में सिंपल शादी नहीं होगी, धूमधाम से शादी का सारा इंतजाम मैं करूंगा। बाय। चलो बेटा चलो, चलता हूँ। सुनिए जी, अगर ये शादी हुई तो बच्चों की जान को खतरा है, वो लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं, अब हम क्या करें? हमारा लड़का बेवकूफ है, वो ज्योतिष की बात को झूठा कह रहा है। दोनों की कुंडलियां अगर नहीं मिल रही हैं तो ये शादी होगी ही नहीं। किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। बाबा मुझे एक डाउट है। नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, जो बोलना है बोल डालो। हमारी छोटी मालकिन सोशलिज्म जैसी लगती हैं, वो ऐसी क्यों है? ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो उसके मूड के ऊपर है, समझ लो। 2 एकड़ के तालाब से नीलकंठ को नहला तो भी सूखा ही रह जाता है, फुग्गे में हवा भर फूल जाता है, उसी तरह सोशलिज्म है। यानी औरों से कराना और खुद कुछ न करना। हाँ यही तो। ये देखो अर्जुन, मेरा गोद लिया बेटा कुछ नहीं करता, सिर्फ खाता रहता है। जी हाँ, यहाँ खाना सब मेरे लिए बनता है, बचा तो इनके लिए, मुझे नहीं तो इनको नहीं, और मेरे बूढ़े बाप को भी नहीं। कुछ नहीं बेटा, खाना खाते समय ना ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती है। सुपर एक्शन, एंगल कितना रोमांटिक है। वन मोर प्लीज, वन मोर। ये पकड़। अंधा हो गया क्या? तेरी आंखें सिर पर है, सामने से आ रही औरत नहीं दिखती तुझे? गलती तो मेरी थी जी, इसकी गलती नहीं थी। पलटिया भी मैंने खाई थी, इसने नहीं खाई थी। तू जाना। ये था ना जी, फिर क्या जरूरत थी इसको लाने की? मेरा सारा मूड खराब कर देता है, किसी तरह इसे घर के बाहर निकालो। इतना बड़ा बेटा भगवान ने बिना मेहनत किए हमें दे दिया है। आजकल मैं भंगार भी छूता हूँ तो वो सोना बन जाता है, तालाब से पानी लाने जाता हूँ नदी घर पे आ जाती है, और तू भी ना दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। फ्रेंड्स, मशहूर डायमंड बिजनेसमैन श्री नागराज जी के इकलौते बेटे प्रेम कुमार के साथ मैंने अपनी बेटी का विवाह करने का फैसला किया है। खाया? बिरयानी और फिश बहुत कुछ है, चलो ना अर्जुन। मैं तो मालिक डांटेंगे ना बाबा। कोई नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो ना चलो ना चलो ना। अर्जुन चुपचाप बैठो, एक बार बैठे रहो चुपचाप, हम लोग चुप जाते हैं। अर्जुन ये लो जल्दी खा लो।
खाना पेट भर कर खाया ना? खा तो लिया, पर ये पानी बहुत कड़वा है। ये तुमने पिया? अरे ये तो वोदका है। ये क्या है? अगर डैडी को पता चला तो हमको मारेंगे। तुम जल्दी बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ, जल्दी। डरो मत, तुम्हारी बीवी हमेशा मेरे पीछे रहती और मैं आगे, इसलिए मैं फर्स्ट। अर्जुन, समझी जी, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई मुझसे, प्लीज। दूल्हे राजा, दूल्हे राजा। अरे ये तुम क्या करने लगे अर्जुन? अरे आप दोबारा हो। सुनिए 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 सुनिए, आप तो दुल्हन के बाद में गिफ्ट हो और मैं उसे मिला पहला गिफ्ट हूँ, ले मैं फर्स्ट। सॉरी सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। दूल्हे राजा, अर्जुन की गलती नहीं है, ये बोतल की गलती है। hey, तू ये सब कर क्या रहा है? अरे बड़े मालिक, तूने शराब पी है? तेरी इतनी हिम्मत, मालिक बिजी कर रहा है, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। ऐसा मुझे लग रहा है कि आज कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है, लगता है ज्योतिष जी की बात सच होने वाली है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, जानता है? आपके बहन की शादी हो रही है तो ये लड़का आपको पराया हो गया? शास्त्री जी ने उस दिन कहा था ना कि शादी से पहले किसी एक की मृत्यु का योग है, आज इसी की वजह से वो संकट टला है। माँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, लगता है हमें यहाँ से सीधे मंदिर जाना चाहिए। ठीक कह रहा है, हम सब साथ चलेंगे। कहाँ गए हैं हम? ये मंदिर है या खंडहर? मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये मंदिर इसी तरह बंद पड़ा है। लगता है इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसीलिए इसे बंद रखा गया है। हमारा आना ही बेकार हो गया। आई विल ओपन डैड। रुक जाओ, भूल से भी ऐसा मत करना। दरवाजा खोलेंगे तो भगवान हमसे रूठ जाएगा क्या? जो भी ऐसी गलती करेगा वो इस दुनिया से उठ जाएगा। आज तक जिसने भी ऐसी कोशिश की वो इस दुनिया से उठ गया। अरे प्रॉब्लम शादी करने वाले जोड़े को ही नहीं, अंदर बैठा है उसको भी है। होने दो, मैं देखता हूँ। रुक जा, नहीं बेटा तू अंदर मत जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो भगवान से खिलवाड़ मत करो, जो ये दरवाजा खोलेगा वो मर जाएगा। क्या कहा, इसको खोलने वाला मर जाता है? आज मैं इस बात को झुटला के रहूंगा। नहीं बेटा। देवी माँ, मुझसे कोई भूल हो गई होगी, जानबूझकर मैंने ऐसी गलती नहीं की थी। मेरी बेटी की अगर शादी हो जाएगी तो मैं 3 बार लेट कर परिक्रमा करूंगी, ऐसी मन्नत मांगी थी। मेरी बेटी की शादी हो गई है, अब मैं परिक्रमा पूरी करूंगी। ए, ये मंदिर को बम से उड़ाने जा रहा है, सारे गांव वालों को बुलाओ। ए, ज्यादा नाटक करने की कोशिश की तो बम के साथ तुम्हें भी उड़ा दूंगा। भागो यहां से। माँ मुझसे पाप हुआ क्षमा करो, माँ मुझसे पाप हुआ क्षमा करो, माँ मुझसे पाप हुआ क्षमा करो, पाप मुझसे पाप हुआ क्षमा करो, माँ मुझसे पाप हुआ क्षमा करो, मुझसे पाप हुआ क्षमा करो। अरे सुनो, तुमने 3 बार परिक्रमा की, तुम्हारी कोई मन्नत पूरी हुई? मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था, तुम्हें इसे क्या लेना देना। ठीक है अब जल्दी से वहाँ आ जाओ। किससे खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग? भगवान के साथ मंदिर में बम लगाने वाले की क्या हालत हुई तुमने देखा ना? जाओ यहाँ से। डैडी एक्सीडेंट था, राम अपने हाथों से बम लगा रहा था, एक्सीडेंट में मारा गया। समटाइम्स अचानक कभी कभार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, को इंसिडेंट कह सकते हैं बस। दामाद जी, इस घटना को आसानी से मत लीजिए। फिर हमारी शादी वो हो जाएगी।
कैसे? संध्या की कुंडली के मुताबिक वो जिसे पहला मंगलसूत्र बंधवाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, इतना ही ना। जब वो दूसरी शादी करेगी तो फिर कहाँ पर, शमशान में क्या? फांसी की सजा होने वाले कैदी को सेंट्रल जेल से जमानत पर लेकर के आऊंगा, उसके साथ अपनी बहन की शादी कराऊंगा, उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए दान में दे दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दोगे? बीमार था, हॉस्पिटल जाते जाते मर गया। ऐसी लड़की शादी के बाद जिस घर में जाएगी वहाँ कोई बचेगा क्या? अरे यार मेरी बच्ची 100 साल जिएगी। पहले चलो चलकर उधर देखते हैं, उधर क्या हुआ? माँ जी देखिए देखिए अर्जुन को क्या हो गया। हाँ देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया। अर्जुन को क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये पानी में गिर गया था माँ जी, वो तो हम लोगों ने इसे बचा लिया। अर्जुन जब तैरना नहीं आता तो नदी के पास क्यों गया? मुझसे अनजाने में पाप हो गया था और पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने बहुत देर तक परिक्रमा किया। मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए मैंने पानी में डुबकी लगाई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। संध्या को पास करने के लिए तुमने जो किया वो ठीक था, मगर किसी और के लिए जान क्यों गंवा रहे हो? अरे जाने दीजिए ना, मेरी जान ही जाएगी ना, कोई बात नहीं। ए अर्जुन तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? आपने ही तो कहा था कि दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना। बेटा आपके लिए, बड़े मालिक के लिए, छोटी मालकिन के लिए, इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, अगर वो ऊपर वाला मेरी जान भी ले ले तो कोई बात नहीं माँ। सुना अपने मालिक, आपके लिए हो, मेरे लिए हो या किसी और के लिए, इस पागल के दिल में कितना सच्चा प्यार है, मगर हमेशा इसके साथ ही गलत होता है। ये बेगुनाह होते हुए भी हमेशा सजा भुगतता है, भुगतता ही रहता है। चलो बेटा चलो। पहली शादी के लिए लड़का मिल गया। लड़का मिल गया? किधर है? सुन बेटा, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। हाँ रुको माँ, मैं पहले बड़े मालिक यहाँ से होके आता हूँ। तू यही बैठ, कहीं नहीं जाएगा। मालिक आप, हम गरीब के घर में। संध्या की जिंदगी अब आपके हाथों में है माँ जी। क्या कह रहे हैं मालिक, इतनी बड़ी बात कह गए, मैं कुछ समझी नहीं। मंगनी से ही कुछ न कुछ हो रहा है, हर समय उसके लिए सुरक्षा कवच इसी चौखट से आई है, इसीलिए वो अब उसके साथ शादी से इनकार कर रही है। वैसा कैसे कर सकती है? आप यहीं रुके मालिक, मैं अभी जाकर छोटी मालकिन को शादी के लिए मना खिलाता हूँ। नहीं, उसको मनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो लड़की अब तुम्हें ही वरमाला पहनाएगी। संध्या जिसे जानती पहचानती नहीं है उसके साथ मैं उसकी शादी क्यों कराऊं? ये मेरी आंखों के सामने ही पलकर बड़ा हुआ है, इसीलिए अर्जुन को मैंने अपना दामाद बनाने का फैसला किया। मालिक मेरे बेटे से कोई गलती हुई क्या? नहीं माँ जी, मैंने बहुत सोच समझ करके ही संध्या की शादी अर्जुन के साथ कराने का इतना बड़ा फैसला लिया है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने वाला अर्जुन मेरी बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करेगा। मालिक मेरा बेटा सीधा साधा भोला भाला, इसे पढ़ना लिखना नहीं आता। मालिक भोला भाला जरूर है माँ जी, मगर इसकी तरह ईमानदार कोई और नहीं। इंसान की जिंदगी का मकसद धंधा करके पैसे कमाना ही है क्या? मेरी सारी दौलत इन बच्चों की है, कभी भी नाम कर सकता हूँ इनके। बच्ची की खुशी की खातिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नहीं मालिक नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। समझने की कोशिश कीजिए माँ जी, आप तो जानती हैं कि शादी की तारीख अब तय हो चुकी है, ये शादी किसी भी हालत में उस दिन हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं कहीं कहीं नहीं रहूंगा, किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। आज आपको मेरी इज्जत की खातिर अपने बेटे को मुझे सौंपना होगा माँ जी। नहीं, मेरी झोली में डाल दीजिए इसे। क्या कर रहे हैं? मुझे भीख में दे दीजिए अपने बेटे को। नहीं मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक। तो ये शादी के लिए मान जाइए। क्या करूँ, हे भगवान आपकी क्या इच्छा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बच्चा एक चमत्कारिक बच्चा है, इस बच्चे को भगवान ने स्वयं देखा है और बच्चे ने भगवान को देखा है, ये बालक अवश्य अद्भुत काम करेगा। अब मैं समझ गई मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये पैदा हुआ था तब एक साधु ने दर्शन दिए थे। तो आपको ये रिश्ता मंजूर है ना? इसमें मेरी मर्जी या आपकी मर्जी नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है
सब इनकी लीला है। कृष्णा, बड़े मालिक के परिवार वालों को खुश देखकर मैं हमेशा खुश रहता था। बचपन से ही मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, पर मैं आज तुम्हें मान गया। सुनिए जी, ये महापाप है। जानती हो ना, संध्या की कुंडली में उसके पहले पति की मौत लिखी हुई है। मगर उसकी शादी किसी राजकुमार से कराने का सपना देख रहा था, पर कुंडली आड़े आ रही है, उसके लिए जरूरी है। कर ले लवर मुझको चुन ले, खूब जमेगी जोड़ी अपनी, हो जाएगी बल्ले बल्ले। कर ले लवर मुझको चुन ले,
खूब जमेगी जोड़ी अपनी हो जाएगी बल्ले बल्ले hey! मुझे न फसाए राजा बजाना प्यार का बाजा हाथ तेरे ना होगी मैं जान ले ये तू राजा तू ही मेरे दिल की है आरज़ू प्यार का फैसला मुझ पे जान तू करने से दम तू चाहे जितने पागे रहूंगा अरे अर्जुन अर्जुन बेटा जरा हटो। अरे अर्जुन सेठ जी अपनी बेटी की शादी उस विदेशी से कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं ये तो भगवान ही जाने, इसीलिए तू उनके। ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है ना रजनी जी, सचमुच ये गलत है। मतलब? मतलब ये कि This is beautiful. Hey, ये तुम क्या कर रहे हो हा? मेरे होते हुए तुम इसे शादी कर रहे हो? Hey, तुझे सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने का अधिकार मिला था, जिस्म छूने का हक तुझे नहीं मिला, वो मेरा है। तू इसके जिस्म को चाहकर भी नहीं छू सकता, और अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। hey, क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या बक रहे हो तुम? छोड़ो इसे। संध्या देखो ये क्या बकवास कर रहा है, मैं इसको जान से मार डालूंगा। मैंने कहा छोड़ो, जाओ। ए, अब क्या करेगा? बड़े मालिक पता है क्या कर रहा था, मेरी धर्मपत्नी के साथ मेरी नजरों के सामने ही बदतमीजी कर रहा था। ये जो कुछ भी कर रहा था वो सब मेरी ही मर्जी के हिसाब से कर रहा था। मालिक इतना बड़ा अन्याय, मालिक आपने क्या कहा था और ये क्या कर रहे हैं? आपकी कही हुई बात से ये मेल नहीं खाती। मेल नहीं खा रही ये तुम जान ही गई हो, वैसे भी मेरी बेटी का इस गवार से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ? मेरी लड़की से रिश्ता रखने के लिए तुम कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हो क्या? हाईटेक सिटी वालों के कोई रिश्तेदार लगते हो? इस गवार से इस लड़की की शादी मैंने क्यों कराई ये जानते हो तुम लोग? जो भी इस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहले बांधेगा उसकी मौत निश्चित है, ऐसा उस कुंडली में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये शादी करवाई थी। ये गंदी नाली का कीड़ा जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने झूठी प्रेम कहानियां आप लोगों को सुनाकर इस लड़की को बचाया है। आज नहीं तो कल इस बेचारे को मरना ही है, और इसका सारा इंतजाम मैंने आज कर दिया है। इसके मरने से पहले इस लड़की से इसकी शादी कराई, शादी की पहली ही रात ये यहाँ से अब सीधा यमलोक पहुंचेगा। hey, मारो इसको। मेरे बेटे को ना मारे, ऐसे कहिए ना, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। इसे तो तुम लोग मार दोगे, लेकिन एक मजबूर निर्दोष की आह और उस पे बेवजह ढाए गए जुल्म और माँ के दिल से निकली हुई बद्दुआ जालिमों को जीने नहीं देगी। इसे मार डालिए मालिक, नहीं तो मैं मार दूंगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ मालिक। चल बेटा, सब Thank you.
अर्जुन, मैंने इस खाने में जहर मिलाया है बेटा, मुझे गलत मत समझना, खाएगा ना बेटा? खिलाओ ना माँ, खिलाओ। धोखेबाजों की इस दुनिया में रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आपके हाथों से ये जहर खाकर मैं सुकून से मर सकता हूँ। आ, आ। इसमें मैंने जहर मिलाकर तुझे पहले क्यों खिलाया? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। मैं अगर मर गई और तू जिंदा रह गया तो ये लोग तुझे हमेशा तकलीफ पे तकलीफ पहुंचाते रहेंगे बेटा, और ये मैं मरने के बाद भी नहीं सह सकती। इसीलिए तुझे पहले भगवान के पास भेजकर तेरे पीछे पीछे सुकून के साथ आ सकती हूँ बेटा। लिखा ले बेटा। मित्र, तुम्हें फोन करने वाला कौन था जानना चाहते हो ना? मैंने ही किया था। तो नीचे झाड़ू मार रहे थे ना, तुम यहाँ पर कैसे? और फिर से नया ड्रेस? हाँ चलो ठीक है, मगर तुम हो कौन, मुझे कैसे जानते हो? तुम अपनी नानी के साथ मरना चाहते थे ना? तुम्हारा समय नहीं हुआ, तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन मर नहीं पाओगे। पांच तत्वों को केंद्रित करके तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। यानी आप? मुझे जानने से पहले अपने आप को तो पहचान लो। तुम लाख मरने की कोशिश करो तो मैं मरने नहीं दूंगा, और अंत आएगा तो मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा। तुम मुझे कैसे बचाओगे ये मैं अभी देखता हूँ। मैं अभी इसी वक्त अपने आप को मार के दिखाता हूँ। देखो देखो। ओके जाम। स्टॉप स्टॉप। ओके थैंक यू। इसका मैं क्या करूंगा, चलो पैसे दो। पैसा मतलब? हाँ पैसा मतलब, मैं क्या तुझे दारू पिया हुआ नजर आ रहा हूँ, हिलता हुआ नजर आ रहा हूँ? पैसा भाड़ा निकाल, 6 किलोमीटर का 10 रुपया। 10 रुपया मतलब? अबे 10 रुपए भी नहीं जानता तू क्या है? जरा शक्ल तो देख, हीरो बन के घूमता है, गाड़ी फ्री में चलती है क्या? दोबारा कभी भी ना तो हीरोबाजी निकाल दूंगा, धोखेबाज कहीं का। चल भाई यहाँ से जा। साहब 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 साहब। क्या है भाई, ये आदमी आपके साथ 5-6 किलोमीटर दूर से आ रहा है क्या? हाँ यार, एक नंबर का 420 है, धोखेबाज है, चालबाज है। साहब कुछ समय पहले तो ये मेरे साथ ऊपर था, उसे कहकर ही उसके सामने मैं ऊपर से कूदा था। क्या बात कर रहे हो, उसके कहने पर तुम इतने ऊपर से नीचे कूद पाए? हाँ। और बच भी गए? हाँ। और मैं उसे मान लूं? हाँ। चल भाग यहाँ से। टाइम खराब करते हैं। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? हा? वो ट्रक वाला कह रहा था कि तुम 5-6 किलोमीटर दूर से आ रहे हो। 5-6 किलोमीटर क्या, मैं तो हजारों किलोमीटर भी पलक झपकते पार कर सकता हूँ, लेकिन तुम सलामत खड़े हो। छलांग लगाई मरे नहीं, दैट इज फेथ, नसीब। इस संसार में कोई भी बेमौत नहीं मर पाता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे कब क्या होगा तुम्हें कैसे पता? संसार में कब कहाँ क्या होगा मैं सब जानता हूँ। तुम ये सब कैसे जानते हो, तुम कोई भगवान हो क्या? हाँ हूँ। क्या कहा, भगवान? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम ऐसी बात ही कर रहे हो। तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो? मालिक यहाँ से। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? रोड से। और अब कहाँ हो? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर लगता है तो मरने का फैसला कैसे कर लिया? मरने वाला कभी डरता नहीं है। चलो मान लिया तुम अपने आप को भगवान कहते हो, तो फिर मुझे कोई सिंपल चमत्कार करके दिखाओ। सिंपल चमत्कार देखोगे? लो देखो। अरे नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ। अरे यार मैं तेरी नानी माँ नहीं हूँ, मैं हूँ। अब देखो ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। तुम नहीं हो यार, मैं हूँ। और कुछ देखोगे? नहीं अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। फिर भी मुझे शक है तुम कोई जादूगर भी हो सकते हो। अच्छा बाप रे। अरे रे रे रे, घबराओ मत। तुमने कभी भगवान को देखा है? क्यों नहीं देखा है,
हमारे गांव के मंदिर में बड़े बड़े ताज पहने हुए देवी देवता हैं। उनके कमर में होता है कमरबंद और हाथों में ढेर सारे आभूषण। ऐसा मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है। अरे लेकिन उनको वहाँ ऑर्डर देके रखवाने वाला कौन है? वो भी तो मैं ही हूँ। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी रूप में रहूं, ये मेरा इस युग का रूप है। तुम खुद को भगवान कहते हो? तो फिर तुमने उस गरीब ट्रक वाले को गाड़ी का किराया क्यों नहीं दिया? ये गलत है ना? सुनो दोस्त, भगवान को पैसे से कोई लगाव नहीं। पैसा तो इंसान ने बनाया है, और पैसे के लिए इंसान लक्ष्मी देवी को पूछता है। कभी लक्ष्मी की फोटो तुमने पैसे पर देखी है? पैसे पर तो महात्मा गांधी की फोटो होती है। इस पैसे को छापने के लिए इंसान ने लक्ष्मी की परमिशन ली है? परमिशन रिजर्व बैंक के गवर्नर की होती है। इंसान हमेशा भगवान को ही दोष क्यों देता है? भगवान से उसका रिश्ता होता तो ये बताओ हर राज्य की भाषा पैसे पर क्यों छपती? हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रक ड्राइवर मुझसे पैसे नहीं मांगता। कुछ दिन पहले की बात है, इस ट्रक ड्राइवर ने 10 लाख रुपए का एक लॉटरी का टिकट खरीदा। तब बेचारे इस ट्रक ड्राइवर को ट्रक खरीदने के लिए वो इनाम मैंने दिलवाया। तुमने मुझे घर से उठाकर बाहर फेंक दिया, फिर भी तुम्हारा साथ देने क्यों आया? तुम्हारे मन की सच्चाई देखकर। अभी तक तू मेरे लिए जिया, अब तू अपने लिए जी। जब तक संसार में हो परिवार का सुख उठाओ। मुझे परिवार का सुख पाने के लिए क्या करना होगा? अपने बल का प्रयोग नहीं करोगे तो निर्बल कहलाओगे, और अगर बल का प्रयोग करोगे तो बलवान कहलाओगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम जो करना चाहोगे आज के बाद वही होगा। तो जिंदा वापस आ गया बेटा, अब तेरी शादी नहीं होगी। डरो मत, मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ होकर रहेगी। हे, मार डालो इसे। बाप रे, फ्यूज बल्ब के भीतर ये 1000 वाट का करंट कहां से आ गया? देखिए समधी जी, ये शौक पर शौक दिया जा रहा है। अब हमारी अर्थियां उठेंगी इस पागल की वजह से। मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ करूंगा पापा। तो फिर तेरी शादी इस जन्म में। Yeah!
मालकिन को मैंने माँ के रूप में देखा है, इसलिए इनकी माँ का सिंदूर बचाने के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। यही तुम्हारा घर है। तुमने मुझसे अपनी मर्जी से शादी नहीं की, ये मैं जानता हूँ। जब तक मेरे जिस्म में जान है, तब तक मैं तुम्हें किसी और की बीवी बनने नहीं दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर्द का बच्चा नहीं। तेरी बीवी बनकर जीने से तो अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं या फिर तुझे मार दूं। 10 लोगों को मार के मुझे जबरदस्ती यहाँ लाके तू अपने आप को मर्द समझ रहा है? मेरा मन कभी भी तेरा नहीं हो पाएगा। मैंने अपनी कुंडली के दोष निवारण के लिए पहली शादी तुझसे की थी, वरना तुझ जैसे दो कौड़ी के इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं। अब सुनो, तुम्हारे गले में ये जो चीज है, इसे तुम मेडल समझने की भूल कभी कभी मत करना, क्योंकि मंगलसूत्र बांधने वाला हाथ इतना मजबूत हो जाता है कि वो इस दुनिया से भी टकरा जाता है। एक बात सुन लो, एक दिन तुम खुद मेरे पैरों पर गिरकर अपने किए की माफी मांगोगी, और मैं उस दिन का तुम्हें छुए बिना ही इंतजार करूंगी। ये शादी नहीं मानी जाएगी। तुम लोग शास्त्रों के विरुद्ध जाकर अपने आप को भगवान से भी बलवान समझते हो। तुम्हारी इस भूल से तुम्हारे घर का चिराग सूरज डूबने की तरह अंधकार में डूब जाएगा। ज्योतिषी जी, वो लड़का फ्यूज बल्ब अब नहीं रहा, ट्रांसफार्मर है वो। जनाब ने उसे मारने की पूरी कोशिश की, फिर भी बचकर आ गया वो। शिवा, एक मोमबत्ती को जलाकर यहाँ पर लाओ। स्वामी जी, तुम मोमबत्ती जलाने की बात कर रहे हैं भाई साहब? मौत निश्चित है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को बचाने के लिए जिस गरीब की बलि देनी चाहिए वो अभी तक जिंदा है। आज पूर्णिमा है, अगली पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगते ही किसी एक की मौत निश्चित है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने लाइट जाने से पहले मोमबत्ती क्यों जला कर रखी? कल क्या होने वाला है इसका मुझे पता चल जाता है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस लड़के ने आपकी लड़की के साथ शादी की है, अगली पूर्णिमा तक वो जरूर परलोक सिधार जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, उन दोनों के ग्रह कह रहे हैं। मैं कैसे सोऊंगी? एसी भी नहीं है, कम से कम एक फैन तो होना चाहिए था। बड़े घरों के जितने चोचले होते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं। हम गरीबों के घर में प्राकृतिक हवा होती है, ना पंखा ना एसी। ये प्राकृतिक का नाटक बंद करो। लाइट जाती है तो कम से कम इंसान एक टॉर्च तो रखता है। इस नर्क में मुझे नींद नहीं आने वाली। जी, आप तो महान हैं। आपकी बांसुरी की धुन और ये महकते हुए फूल बहुत बढ़िया। आप तो वाकई में महान हो। इससे मेरा मन नहीं बहल रहा, कुछ मिस कर रहा हूं। और वो क्या? गर्लफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड्स को? या अकेलापन ना हमेशा काटने दौड़ता है। आपसे बड़ा मनमौजी इस दुनिया में और कोई नहीं है। इतनी सारी गोपियों को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? लड़कियों का दिल सागर की तरह होता है। चलो सेकंड तो करो। किस लिए? सेकंड तो करो। लड़कियों का दिल जीतने के लिए ही मैंने डांडिया रास की रचना की है, उसी में जिंदगी का असली मजा है। वो खेलने से मजा आता है क्या? भगवान भी ये सब खेलते हैं? कौन कब कहां क्या खेलता है मैं सब जानता हूँ। तो फिर जिंदगी का रहस्य क्या है बताओ? तो सुनो, थोड़ा सा दर्द होता है तो इंसान बचने की कोशिश करता है। डांस में इंटरेस्ट, थ्रिलर, मिस्ट्री सब होता है। अब आप ये सब इंग्लिश में कहेंगे तो मैं कैसे समझूंगा? ए, तुम्हें इंग्लिश सिखाते सिखाते मैं खुद इंग्लिश भूल जाऊंगा।
वैसे शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? तुम इस समय कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, किसी को पता है क्या? मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ। रुको, संभाल कर। किस लिए? मैं डूब जाऊंगा क्या? तुम समुद्र के ऊपर खड़े हो, गौर से देखो अभी कहाँ हो। आप अपना ये चमत्कार सिर्फ मुझे ही दिखाते हो, ये मैं मानता भी हूँ, लेकिन हर कोई हमेशा एक ही सवाल करता है, कहाँ है भगवान और कैसा है भगवान? उन लोगों को मैं कैसे बताऊँ कि भगवान कैसा है, और उन सबको मैं इस बात का यकीन कैसे दिलाऊँ? बताओ। शांत दोस्त, जो दिखता है लोग उस पर यकीन करते हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर, ये सब कुछ हमें दिखाई देता है। ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर नहीं दिखाई देते, सिर्फ स्कैनिंग करने पर ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, क्या आत्मा कभी किसी को दिखाई देती है? इसी तरह मैं भी हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कैसा हूँ, ये कोई नहीं जानता। आपका भी जवाब नहीं भगवान। ये बात तो बिल्कुल सही है, यही सत्य है, समझ गए ना, अब घर जाओ। मैं वहाँ कैसे रहूंगा, वहाँ एसी लग गई है। एसी डीसी में बदल गया, अब जाना। Let's rock and party.
इश्क में खोना। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, संभाल कर निकालो, दर्द हो रहा है। आ चिंग चांग चूं, चिंग चांग चाओ। मुझे इस तरह से मत छुओ ना, कुछ कुछ होता है। ये कौन है जिसने मुझे इस तरह से बांध कर रखा है? मैंने बांधा। लेकिन क्यों? कुंडली में यही लिखा है आपकी। उस दोष का मैं निवारण कर रहा हूँ, मगर उससे पहले मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना जरूरी है। सुनो बेटा, तू कौन सा काम करने जा रहा है? यहाँ ये रहे। कर क्या रहा है भाई? आज का दिन यहाँ पे मेरा आखिरी दिन है पापा। तुम्हारी हराम की कमाई को ठिकाने लगा रहा हूँ, इसलिए किसी काम के नहीं, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। तो तुम क्या करने वाले हो? करना चाहिए वही। अरे अरे, वो मेरी शादी की अंगूठी है भाई। तुम्हारे किसी काम की नहीं, लेकिन मेरे बड़े काम की है। ए, 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 ये क्या कर रहा है तू? अरे हाथ हटा वहां से, तू तो पहुंचते पहुंचते वहां तक जा पहुंचे। क्या कर रहा है? अरे लेटे रहो, लेटे रहो। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। मिल गया लक्ष्मी। क्यों रे छोटे, तू तो मेरी जवानी का निवारण करने वाला था, यही है क्या? मैं तुम्हारी जवानी की निवारण की बात नहीं कर रहा था, रिजर्व बैंक में छपे हुए नोट और गहने के निवारण की बात कर रहा था, जो तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम दोनों की कुंडली बना के फैक्स करूंगा। तुम हो 30+, वो है 50+, इनको मिलाकर माइनस करो तो बचता है 20+। बचे हुए प्लस से काम चलाओ और अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। आपके हाथों का मैंने नमक खाया है, इसलिए तुम्हारे पति का लाइसेंस तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, सेंटीमेंट के लिए। चलता हूँ, सॉरी। अर्जुन, अरे अर्जुन, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं बुलाती हूँ अर्जुन। ओए, मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा था, अर्जुन अर्जुन तू नहीं आया। और ये उसने आहिस्ता से तेरा नाम लेके पुकारा, तू हाजिर हो गया? अरे परमानंद जी को इस तरह से किसने बांध दिया है? और कौन होगा जिसे मैंने गोद लिया था? अरे मैंने आपको पहले ही कहा था बाबा। क्या कहा था? कोई प्रॉब्लम होने वाली है, संभल कर रहिए। ऐसा कहा था क्या? हाँ, दोबारा नहीं कह सकता था? छोड़ो उसे। अरे मेरी प्रॉब्लम तो तूने बता दी, इस प्रॉब्लम के बारे में क्यों नहीं बताया? संध्या। गुड मॉर्निंग भैया। ये क्या कर रही हो? तुम यहाँ आकर क्यों सोई हो? मुझे खुद नहीं पता भैया, इसी से चिंगारी निकल रही थी, उसके बाद मैं यहाँ कैसे आ गई मैं नहीं जानती। यहाँ ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं यहीं सो गई। एसी में चिंगारी और झोपड़े में ठंडी हवा, हो ना हो जादू टोना करके इसका दिल बदल दिया है। क्या बात है भैया, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, कुछ भी नहीं हुआ है। संध्या एक बात समझाता हूँ, तुम आज के आज फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लो, मन लगा कर पढ़ाई करो और हायर डिग्री हासिल कर लो। तुम बस, कोई नहीं समझेगा कि तुम शादीशुदा हो, तुम आज भी एक कॉलेज स्टूडेंट ही हो। ची 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 ची। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी सुरक्षा चाहता हूँ, कुंडली के हिसाब से इसकी जरूरत है, इसके होने से फर्क नहीं पड़ेगा। Oh, my God.
जरा उधर देख। ए, व्हाट्स अप? अब मैं क्या क्या करता हूँ बस तुम देखती जाओ। अरे बदल कैसे गया? कपड़ों की स्टाइल से लेके सब कुछ बदल गया, ये कैसे हो गया? पागल हो गया है वो, जब सीधा साधा था तो मजाक उड़ाते थे, अब पागल हो गया है, बच के रहना चाहिए। ये क्या है बे? अरे आंसर पेपर है बाबा, उस दिन तुमने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया था ना, ये उसका आंसर है। मैं कल तक तुम सभी का जुल्म सहता रहा, आज वो सूद सहित तुम्हें लौटाने आया हूँ। क्यों बे, पिछली मार भूल गया तू? बाय 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 बेब्स, तुम्हें तो अभी बताती हूँ मैं। यहाँ पर पहुँचते ही फिर से वही जाओ। छह किलोमीटर चलकर आओ अब। हेलो, तुम यहाँ पर, संध्या वहाँ पर, क्या बात है? ये भी कहीं आपका प्लान तो नहीं है? ए मित्र, क्या बात है, मस्ती नहीं करनी है?
सही समय पर आप कहीं भी पहुंच जाते हैं। मेरी प्रॉब्लम मैं ही जानता हूं, आपको क्या बताऊं। ये सब तो ठीक है, मगर आज ये साइकिल पे इस तरह से। एक्सरसाइज कर रहा हूं पेट कम करने के लिए। आपका पेट? क्या बोल रहे हैं? तो क्या हमारा पेट नहीं निकलता? दूध, दही, घी, मक्खन, पंचामृत और फ्रूट, ये सब ला करके लोग डायरेक्ट हमारे सिर पर डाल देते हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा? खाते समय बड़ा अच्छा लगता है, बाद में पचाना भारी पड़ता है, तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आपको देखकर तो नहीं लगता? अरे भाई, मुझे देखकर तुम्हें लगेगा भी नहीं। और फिर वैसे भी मेरे बारे में जानकर तुम क्या करोगे? मेरे बारे में सोचना छोड़ो और अपनी पत्नी की मदद करो। मदद करूं? इसने मुझे कार से बाहर निकाल दिया था। जब कोई आदमी किसी के बारे में नहीं जानता तो कोशिश करके जान सकता है। लेकिन अगर मैं कार चलाने लगूं और एक्सीडेंट हो जाए तो? मैंने कहा था ना कि कब कहां क्या होने वाला है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तू निर्भय होके गाड़ी चला, क्योंकि मैं हूं ना। वाह, आप हैं तो कार क्या, मैं प्लेन भी उड़ा सकता हूं। क्या है? चलना। तुम पागल हो गए हो? कभी कार चलाई है तुमने? ये क्या, किसने कहा तुमसे कार चलाने को? गाड़ी स्टार्ट करना। घबराने की जरूरत नहीं है, संध्या मुझे नहीं देख सकती। देख क्या रहे हो, राइट साइड में एक्सीलेटर है, उस पर पैर रखो और पूरी स्पीड से गाड़ी निकालो। ओके? गाड़ी को रुकूंगा कैसे? जहां चाह वहां राह। चलोगी या फिर पीछे चलोगी? बैक, 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 बैक। यानी इसके आगे जाऊंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, यही चाहती हो ना? या फिर बोल बच्चन, और दोबारा अगर तुमने मुझे ये नखरे वगैरह दिखाए तो मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। पागल हो गए क्या? मेरी होने वाली बीवी को आपने फिर से कॉलेज में क्यों भेजा? वो कॉलेज चली गई तो क्या हुआ, उसे तुम्हारा रिश्ता टूट गया? वो आपके 10 आदमियों को मारकर आपकी बहन के सामने हीरो बन गया है। अब वो जादू टोना करके आपकी बहन को काबू में करके उसके साथ भाग गया। तो जब भी देखो तुम इस तरह की नाप शनाप बात क्यों सोचते हो? ऐसा ही होने वाला है। क्या कहा? सामने देखिए। अपनी टेम्पररी बीवी को कैसे मस्ती में गाड़ी से लेकर आ रहा है। हे अर्जुन, वाओ, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। पहली बार तुम्हें गाड़ी चलाते देखा, मैं तो डर ही गया था कि कहीं टायरों के नीचे आकर किसी एक्शन फिल्म का सीन ना बन जाऊं। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? गेट आउट। जान बचानी है तो निकल ले बेटा। आप यहीं रुके। आप बचाएंगे क्या? ये मेरा घर है, ये यहाँ रुके या जाए ये कहने वाला तू कौन होता है? ये तुम्हारा घर है? नहीं तो क्या, तेरे बाप का घर है। हाँ, बोलो। ये मेरे दादा का घर है। दादा?
मेरे दादा मंगल प्रसाद विष्णु प्रसाद जी ने 7.5 एकड़ की इस प्रॉपर्टी को 1936 में 7,500 रुपए में खरीदी थी। उस जमाने में वो बहुत पैसे वाले थे। तुम्हें भी बिजनेस करने के लिए उन्होंने ही पैसा दिया था। उनका ICICI बैंक अकाउंट में 32 लाख रुपया था। भारतीय स्टेट बैंक में भी 30 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट थे और टाटा कंपनी में उनका बहुत सारा शेयर भी था। बच्चों के नाम पर 20-20 लाख रुपए की LIC पॉलिसी भी थी। आज की तारीख में विजयनगर में जो प्रॉपर्टी है वो 44 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी नहीं है। दान पेटी में 2 लाख रुपए हमेशा रहता था। इन सब को मिला के टोटल करूं तो उनकी प्रॉपर्टी 103 करोड़ 43 लाख 33 हजार 224 रुपए होती है। तो इस सारी प्रॉपर्टी का आधा मालिक मैं हूँ। तो अब आया ये ऊंट पहाड़ के नीचे। इस अनपढ़ ने हिसाब किताब कब सीख लिया? बेटा यहाँ जान का खतरा है, हिसाब किताब चल रहा है। हम लोग वो खोलेंगे तो ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। चल गाड़ी में बैठ। ए, आए। गाड़ी वहीं रहने दो। मेरी गाड़ी है, कहीं भी ले जाऊँ। तो फिर ठीक है, चल बेटा बैठ। समधी जी आप मेरी गाड़ी ले जाइए। हाँ हाँ चल बेटा जल्दी आ, साथ ही फट जाओ। हमें नहीं फटना है, पीछे हटो, पैदल ही चलते है। मालकिन इधर या उधर? ये क्या कर रही हो सुनिया, तुम उसके साथ क्यों जा रही हो? उसका पावर क्या है उसने दिखा दिया, मेरा पावर क्या है ये उसे नहीं दिखाऊं क्या? वैसे तो वो अपने आप को बड़ा मर्द समझता है ना, औरत के रूप में मर्द। पर अब मेरी चलेगी, ये घर मेरा है। हमारी शादी किस हालात में हुई और किस लिए हुई ये एक अलग बात है। अब तुम एक पल भी मेरी आंखों से दूर नहीं हो सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। तुमने इतनी स्पीड से कार चलाई कि मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। अब पूरे बदन में दर्द हो रहा है। अब दबाओ, पैर दबाओ, नीचे से शुरू करो। ऊपर ऊपर ऊपर। ए, इसे और ऊपर नहीं दबा सकते क्या? कमर दबाओ जी, हाथों में ताकत नहीं है। जब तुम बहादुरी दिखाते हो तो अच्छे अच्छों को मार गिराते हो। अब क्या हो गया, बुखार आ गया क्या? ए जी, ठंड में पसीना आ रहा है। तुम मर्द हो ना मर्द नहीं हो, तुम तो अभी से पूरे पसीने में भीग गए। इतनी स्पीड से गाड़ी चलाने वाले का इंजन ठंडा पड़ गया क्या? इधर उधर लड़कियों को ताकते समय तो तुम बड़े हीरो बनते हो। अब यहाँ दबाओ। नीचे, थोड़ा और नीचे। ए जी, सब कुछ मैं ही बताऊं क्या? इससे नीचे? हाँ और नीचे। Na 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 na
आज ये क्या हो गया? ये मालकिन को क्या हो रहा है? हंसिए और हंसिए, मैं यहाँ ठंडे पानी से गीला हूँ और आप आराम से आग सेक रहे हैं। ऐसा क्या हुआ मित्र? कब किस समय क्या होता है आप ये जानते हैं, फिर मेरे साथ क्या हुआ आप नहीं जानते। तुम जानते हो मैं तुम्हारी परेशानी तुम्हारे दुख में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारी पर्सनल हंसी खुशी में मैं कुछ नहीं कर सकता। खुशी? वो बेशर्मी पे उतर कर मुझे मजबूर कर रही है, ये भी आपका ही खेल है। मेरा खेल कैसे हुआ? सीधी सादी लड़की को आप घमंडी बना देते हैं, गलत काम करने वाली औरत को ठोकर लगवाते हैं आप, क्या ये सब आपका खेल नहीं है? अरे रे 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 रे, मैं बहुत कुछ देखकर भी अनदेखा कर देता हूँ पता है। बड़े पेड़ पे छोटा सा फल क्यों, छोटी सी बेल पे बड़ा सा फल क्यों, राज है क्या ये गहरा, अरे बोलो प्रभु जरा। हे भगवान, मैंने कुछ पूछा है आपसे? कमल खिलाया कीचड़ में तूने, गुलाब खिलाया घाटों में तूने, राज है क्या ये गहरा, अरे प्रभु बोलो जरा। बताओ ना भगवान। राज ये तुम्हें बता दूं, कौन मुझे पूछेगा, ओहो सबको मैं मिल जाऊं तो कौन मुझे पूछेगा। तू जान के क्या करेगा, कर्म अपना तू किए जा, तू जान के क्या करेगा, कर्म अपना तू किए जा। छोड़ दिया है, भक्तों को अपने कभी पर दर्शन ना दिया है। अरे क्या भाई क्या बात करते हैं। जागने को दिन बनाया, सोने को रात बनाई, दिन में सो रहे हो, गलती करते हो क्यों? पक्षी और मानव के लिए दिन रात बनाए मैंने, सबसे निराला बनाया हिंसा का रूप मैंने, दिया है दिमाग कैसा, सोच और समझ ले तू। तुम भी वही हो क्या? मुझ पे शक करता है जो, कुछ भी नहीं पाता है वो। तू जान के क्या करेगा, कर्म अपना तू किए जा, तू जान के क्या करेगा, कर्म अपना तू किए जा। भगवान, हर सागर में तूने पानी नमक का क्यों, अरे बरसे सागर में पीने का पानी क्यों, अरे जवाब दो ना। कुछ न हो बिन पैसे पैसा बनाया क्यों, गलती तुम्हारी है सजा हमको क्यों। Oh God, how can I explain? खाना जो घर में है बनता, बिना नमक खाया न जाए, इतनी सी बात तुझको समझ न आए। ऐसा क्या, ऐसा क्यों किया है मैंने, जरा दिमाग से सोच ले तू। आता पानी कहां से जो हर तरफ धरती होती, कौन कहा है जानता हूँ मैं, होना है कब क्या जानता हूँ मैं, किसको है कितना देना मुझको है पता। अरे फ्रेंड जरा सोचो, You will understand. फसल है धरती पे सूरज से, खुशबू चमन में है फूलों से, किसके लिए क्या बनाया सब मुझको है पता, किसके लिए क्या बनाया सब मुझको है पता। चतुर नारक
तू तो बेवकूफ है छोटे, तुझे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरा बुढ़ो तो बिल्कुल बेकार है। अब बचे तुम्हारे पास 20+। अब बचे हुए प्लस के साथ अपनी लाइफ आराम से गुजारो। तुम इसे खोल दो ना, ये खुलता नहीं है। ये खुलता ही नहीं है। अरे तुम इसे उल्टा खोल रहे हो, सही तरह से खोलो ना। घुमाओ और घुमाओ, खुल गया। तुम लोग इतना जोर लगा रहे थे इसे खोलने के लिए? और नहीं तो क्या। और इसको ओपन तुमने किया है? ओहो हो, तो तुम इधर से जरा खिसक जाओ। अब हॉर्लिक्स है जी। हाँ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत सोच रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। दिस इज टू मच। ये इस तरह से थूक कर क्यों चला गया? वो समझ गया इसलिए। हाँ? ये भी समझ गया लगता है। अरे बच्चों संभल कर। हेलो, तुम्हारी बताई जगह पर मैं अर्जुन को परिवार के साथ ले आया हूँ। वेरी गुड। तुम कहाँ पर हो? हेलो। उसे हमारे साथ क्यों बुलाया यहाँ पर? जिसने मेरी और मेरे पिताजी की सबके सामने बेइज्जती की है, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नीलकंठ शास्त्री ने बताया अगली पूर्णिमा को वो मरने ही वाला है, फिर तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मैं आने वाली पूर्णिमा तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जो भी करना है अब वो सब मैं खुद ही करूंगा। मुझे तांत्रिकों पर भरोसा नहीं है। इस बार बाजी मेरे हाथ में है। इस कहानी को मैं खत्म करके रहूंगा। घबराइए मत, मैं कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा क्या करने वाले हो दामाद? किसी भी तरह मैं उसे आसमानी झूले की 7 नंबर सीट पर बिठाऊंगा। बैठाने के बाद? झूले के ऑपरेटर को मैंने सब समझा दिया है। 7 नंबर सीट का वाइट पॉइंट वो ऑपरेटर काट देगा। जब झूला तेज चलने लगेगा तो सीट झूले से निकल के उड़ जाएगी, साथ ही उसकी बॉडी से उसकी जान भी। देखो बच्चों, ये है आसमानी झूला, इसमें बहुत मजा आता है। पूरा शहर नजर आता है। बैठो, चलो बच्चों चलते हैं। तुम इनके साथ मत जाओ। मैं इनके साथ रहूंगा। ठीक है रहो, मगर 7 नंबर सीट पर मत बैठना तुम, वो मेरी सीट है। मैं उसी पर बैठूंगा। चलो बच्चों। मम्मी इसे पकड़ो, मैं भी बैठने जा रहा हूँ झूले में। अर्जुन चलो। तुम्हारे कहे मुझे 7 नंबर वाली सीट पर ही बैठने के लिए गया। वेरी गुड, अब हमारा सपना पूरा होगा और वो यमलोक पहुँच जाएगा। जी लड्डू को देखिए तो जरा, हमें तो देखकर ही डर लगता है। अर्जुन जिस सीट पर बैठा है वो भी उसी के साथ उसी सीट पर बैठा है। उसके साथ लड्डू भी। बाय मम्मी, बाय बेटा, बाय लड्डू, बाय बाय। प्रेम प्रेम प्रेम, जल्दी से झूलों को रुकवा दो। किस लिए? अर्जुन अकेला होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन उसमें मेरा बेटा, उसके साथ मेरा लड्डू भी। उसके साथ मेरा लड्डू भी मारा जाएगा। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ मैं तेरे। भैया अर्जुन को मारने के लिए 7 नंबर सीट की रॉड को काट दिया गया बेटा। झूले को रुकवा दो प्लीज। अगर वो बच गया तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। तुम अपनी शादी करने के लिए किसी की जिंदगी से खेलोगे क्या? इसका मतलब तुझे मुझसे ज्यादा वो अनपढ़ गवार प्यारा हो गया है? मुझे वो अनपढ़ गवार प्यारा नहीं है, मुझे अर्जुन की जिंदगी ज्यादा प्यारी है। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा पागलों की तरह प्यार करता हूँ, और तुम सिर्फ मेरी हो। अगर कोई बीच में आया तो काट डालूंगा उसे। अर्जुन, तुम जिस सीट पर बैठे हो प्रेम ने उसकी रॉड कटवा दी है। मैं हूं ना, डरो मत। भाभी, अर्जुन हमारा लड्डू। अर्जुन तेरे बेटे की जिंदगी और अपनी जिंदगी बचा ले। लड्डू मुझे जोर से पकड़ो। हाँ दोस्त, बिना सारे के बच्चे को लेके लैंड किया है। I like your guts. Thank you भगवान। Okay. दोबारा कभी मेरे परिवार के आसपास भी दिखा तो काट दूंगा। मेरे बेटे, तुझे
यमा 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 डांस मेरा तू देख जरा जुदा सबसे है ये डांस मेरा जानते हैं ये सभी कोई मुझसा नहीं तुम भी संग मेरे आज झूमो 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 रे देख मेरे ये अदा का जलवा इस अदा पे है जहाँ ये पिता सारा सारा जहाँ देख लो कोई मुझसा नहीं लाखों में कहूँ अपने दिल को संभालो अरे संभालो जाना डांस मेरा तू देख जरा जुदा सबसे है ये डांस मेरा जीतेंगे जाने जा महबूबा दिल रूबा खाबो की मलिका तू ही है जाने जा Come on baby jam with me do it again kick जब से आंख तुझसे लड़ी प्रेम लगन लागी मैं भी तेरी दीवानी हूँ ले जा सनम मुझको पागल तेरे इश्क में हूँ तुझ पे हूँ मैं फिदा दिलो जासे हाँ हाँ जासे अरे अरे बात तेरी रस भरी तू है रसब सुंदरी छप्पी है तेरी खट्टी मीठी छप्पी दिल ये रूट ले देख मेरी ये अदा का जलवा इस अदा पे है जहाँ ये पिता सारा Thank you, boss. Hey, pardon. ये आज का पेपर है भाई साहब एक चाय लेकर आओ स्वामी जी आप तो ज्योतिषी मालूम होते हैं जी हाँ मेरे हाथ की रेखा देखकर कुछ बता सकते हैं क्या हाथ की रेखा क्या माथे की लकीर देख के भी बता सकता हूँ तो फिर बताइए ना मेरी किस्मत में क्या लिखा है सही बताओ तो चार पांच दिन के अंदर तुम्हारी जिंदगी की काया पलटने वाली है उसके बाद तुम अपनी बीवी को पड़ोसी से संभालो जी, कैसा इंडिया है के साथ अणुशक्ति के संबंध में चर्चा करने के लिए जॉर्ज बुश हिंदुस्तान आ रहे हैं जॉर्ज बुश ये भला कौन है जॉर्ज बुश कौन है अमेरिका के प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश को नहीं जानते ज्योतिष बने फिरते हो तू सचिन तेंदुलकर ने अपने कैप्टन को बहुत ही निराश किया सचिन तेंदुलकर ये भला कौन है इंडिया में रहते हो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते 100 सेंचुरी मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इतनी मामूली बातें नहीं जानते ज्योतिष बने फिरते हो सामने आती है थू ओके 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 मिल्खा सिंह को जानते हो क्या हाँ मिल्खा सिंह वो कौन है मिल्खा सिंह को जाने भी नहीं आ रहे हो फालतू लोगों को जानने का टाइम नहीं है मेरे पास समझे बहुत बड़ा रोमांटिक हीरो है ओहो पहले जाकर अपनी बीवी को उससे बचाओ उसकी बीवी मिल्खा सिंह के साथ रोमांस कर रही है ये तुम्हें यहाँ बैठकर कैसे पता चला जाकर देख पहले तुम्हारी बीवी क्या कर रही है फिर उसकी बीवी के बारे में बताऊंगा किसकी बीवी किसके साथ क्या करती है तुम्हें पता है ना ओके लेकिन तेरी बीवी क्या करती है मेरी बीवी
मेरी बीवी तो सिर्फ मेरी है, मेरी है। तेरी बीवी अर्जुन के साथ चंद्रमुखी फिल्म देखने गई है, जानता है क्या? मेरी बीवी चंद्रमुखी फिल्म देखने अर्जुन के साथ गई है। नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार। आइए स्वामी जी, वर्षों से मंदिर बंद पड़ा है, गांव की खुशियां ही छिन गई। सालों गुजर गए, कोई उत्सव नहीं हुआ। मंदिर की रखवाली करने वाले भी चले गए। गांव वाले मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खोलने की हिम्मत किसी में नहीं। हम सबको आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप ही कुछ कीजिए स्वामी जी। कुंडली सिर्फ इंसान की ही नहीं होती है, भगवान की भी होती है। मंदिर खोलने का समय पास आ रहा है। अभी जो पूर्णिमा आने वाली है, उसी दिन इस मंदिर का दरवाजा फिर से खुलेगा। मंदिर का दरवाजा कौन खोलेगा? जिसकी वजह से यह मंदिर का दरवाजा बंद हुआ है, उसी के हाथों ये शुभ कार्य संपन्न होगा। किसी कारणवश मंदिर अपवित्र हो गया था, उसकी शुद्धिकरण के लिए बलि के रूप में किसी की जान अवश्य जाने वाली है, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। पत्नी की जगह पति के चरणों में होती है, मैं ऐसा नहीं मानता, ये बकवास है। तुम ये नहीं जानती क्या? तुम रो क्यों रही हो? मुझे मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, मेरी संध्या कभी नहीं रोती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आने वाली पूर्णिमा के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। नीलकंठ शास्त्री की ये बात सुनने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आती। तुम्हें ये बात एक मामूली इंसान ने बताई है, और हमें बताया है उस भगवान ने। जब तक मेरा दोस्त मेरे साथ है, कोई भी शास्त्री मेरी जन्म कुंडली देखकर कुछ भी कह ले, मैं अपनी मौत से पहले नहीं मरूंगा। आप लोग मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने आप को राजा बनने की भीख मांगते हो, पर अगर मुझे राजा बनना है तो मैं सीधा भगवान से ही मांगूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? मैं सच कह रहा हूँ संध्या, भगवान को मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं मानोगी? कोई नहीं मानेगा। पहली बार मिला था तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए, कभी नानी माँ के रूप में तो कभी मेरे ही रूप में आके। तब कहीं जाकर मुझे इस बात का यकीन हुआ कि वो भगवान है। संसार में हर कोई मौत का नाम सुनकर डर जाता है, लेकिन जब तक मेरा दोस्त मेरे साथ है, मौत मुझसे कांपेगी। अर्जुन, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई शक्ति है, मैं जान चुका हूँ, लेकिन ये भगवान की दी हुई शक्ति है, ये मुझे यकीन नहीं होता। वो भी हो जाएगा, जो आज तक कोई नहीं कर सका वो काम करके मैं दिखाऊंगा। अर्जुन, अर्जुन! सुनो मित्र। भगवान, ये कैसा रूप है? इस समय तो मैं एक भक्त हूँ। भक्त हो? तो भगवान कहाँ है? तुम हो। मैं हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ। इंसान में भी भगवान होता है? इंसान में भी भगवान होता है? वो कैसे? बुरे समय में जो इंसान दुखियों का साथ देता है, उसमें भगवान का वास होता है। मैंने तो कभी किसी की मदद नहीं की, फिर मैं कैसे? तुम मेरी मदद करने के लिए ही इस दुनिया में आए हो। मदद? और मैं आपकी? ये कैसी बातें कर रहे हैं भगवान? तुम्हें वर्षों से बंद पड़े मेरे एक मंदिर का दरवाजा खोलना है। आपके मंदिर का दरवाजा मुझसे खुलवाएंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे जन्म के समय से ही मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मेरा जन्म मंदिर में हुआ था? जिस दिन तुमने मंदिर में जन्म लिया, उस दिन तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे दुश्मन बन गए। जाओ मित्र, जाओ, वो मंदिर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी वजह से वर्षों आपको बाहर भटकना पड़ा, इस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से मंदिर बंद हुआ तो वो तुम्हारे हाथों से ही खुलना चाहिए। ये काम मैं अभी कर देता हूँ। पर सुनो मित्र, घर जाके अपनी पत्नी को भी साथ लेके जाना। नहीं 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 अर्जुन, इसमें भगवान तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारी जान चली जाएगी। जो भी उस मंदिर का दरवाजा खोलेगा वो मर जाएगा। मंदिर का दरवाजा खोलने से अगर मेरी मौत होती तो भगवान ये काम मुझे क्यों सौंपते? अर्जुन, जो तुमसे मिला था वो भगवान नहीं, कोई धोखेबाज रहा होगा। संध्या, उनके बारे में ऐसा मत कहो। मेरे भगवान के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। नहीं अर्जुन, तुमसे जो मिला था वो धोखेबाज है। अर्जुन,
संध्या एकदम सही कह रही है। उस मंदिर को आज तक जिसने भी खोलने की कोशिश की है वो जिंदा नहीं बच पाया है बेटा। अर्जुन तुम ना समझो, ऐसा मत करो, तुम हमारा कहना मान लो बेटा। कोई भी आए कोई भी रोके, लेकिन आज मैं मंदिर का दरवाजा खोल के रहूंगा। देखो अर्जुन, अगर तुम्हें अपने बात पे अड़े ही रहना है तो आने वाली पूर्णिमा गुजर जाने दो। मंदिर का दरवाजा खोलने का मुझे भगवान ने आदेश दिया। बस अर्जुन हमारी बात मान लो। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों की अनुमति लेने नहीं आया था। भगवान ने जो भी कहा है आज मैं वो हर हाल में करके रहूंगा। अर्जुन नहीं, अर्जुन मत जाओ। अर्जुन बुआ कह रही है, मम्मी कह रही है, पिताजी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, तुम मत जाओ अर्जुन, मत जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा। प्यारे साले, आज तो तू अकेला ही जा रहा है, आज तेरा खेल खत्म करता हूं। जाओ मित्र, तुम्हारी भक्ति पर मुझे विश्वास है, राधा की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बढ़ रहा है अत्याचार, जला दे पाप को तू आज, लेके आजा अवतार नंदलाला, नंदलाला। दिया है सबको जीवन, बदला तूने अर्जुन का मन, कब कब क्या क्या होना है तुझसे ना छुपा, पाप और पुण्य को तो ले तू ही बस मौला। दाता भी है तू ही, विधाता भी है तू ही, है तुझसे मिला ये जीवन, तू ही बचा जीवन को अब देवा। भूल कर ले मेरी दुआ मेरे मौला, बचा ले उस हिंसा को मौला। Hey!
आप टेंशन क्यों ले रहे हैं साहब, वो जैसे दरवाजा खोलेगा मर जाएगा। इसमें जरूर कोई ना कोई पावर है, 100% बच जाएगा वो। उसे मारने का कोई और तरीका है। उस रथ को यहां धकेलो। आप मंदिर खुलने से पहले ही आ गए? भगवान, आपने लॉक कैसे खोला? मंदिर बंद होते ही मैं बाहर चला गया था, तुम्हारे खोलते ही सीधा अंदर आ गया। आपको आते हुए मैंने नहीं देखा। मुझे आते जाते कोई नहीं देख सकता, ना ही आहट सुन सकता है। ये सब तो ठीक है भगवान, आज शाम को मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसी डर से संध्या बहुत घबराई हुई है। मैंने बताया कि मैं ये सब आपके आदेश से कर रहा हूँ, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं था। कृष्णा, 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 कृष्णा। मूर्ति में समा जाने के बाद आप मुझे फिर से नहीं दिखोगे कृष्णा। कम से कम एक बार तो मुझे अपनी सूरत दिखा जाओ ना कृष्णा। तुम कहाँ हो बताओ ना कृष्णा। मुझे मालूम था भगवान आप यही मिलोगे। उधर मंदिर में आपका अभिषेक, आपकी पूजा और अर्चना हो रही है, और आप यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। ओ, आज एक नए रूप में। हाँ, रूप में आरती हो रही है, अभिषेक हो रहा है। कौन है बे तू? भगवान मुझसे ऐसा नाटक मत करो, उस दिन मैंने आपके सामने ही यहीं से छलांग लगाई थी, आपको याद है? आज फिर से मेरा नया इम्तिहान मत लो भगवान। यहाँ से छलांग लगाकर मरना है क्या? पागल है क्या तू? तू यहाँ से कूदेगा, यहाँ से कूदने वाला जिंदा नहीं बचेगा, तू पागल हो गया है क्या? मैं यहाँ से एक बार फिर छलांग लगाऊंगा और तुम ही मुझे आके बचाओगे कृष्णा। मुझे तुम पर इतना यकीन है कृष्णा, तुम ही मुझे बचाओगे कृष्णा। ए, 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 रुको। अरे बाप रे, एक पागल मेरे सामने आठवीं मंजिल से कूद गया है, उसे जल्दी बचाइए साहब। हो गई ना तुम्हारी मंशा पूरी? हो गई ना? उस वक्त मैं स्वार्थी हो गया था शास्त्री जी, पर इसका जिम्मेदार मैं नहीं। एक्सक्यूज मी, उनका कोई रिश्तेदार हो तो उन्हें बुलाइए। क्या मतलब? पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। जन्मदाता भी है तू ही, कर्मदाता भी है तू, आत्मा को दे के रूप धरती पे भेजा, भाग्य इंसान का तू नहीं तो लिखा, प्राण उसके लौटा दे, महिमा तू दिखला दे,
उसको तू बचा ले मौला, मासूम को बचा ले मेरे मौला, मौला, मौला। भगवान, मुझे यकीन था भगवान कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। ये मेरी जगह है, तुम यहाँ किसकी इजाजत से आए हो? यू आर इन हेवन माई फ्रेंड। यानी मैं मर चुका हूँ क्या? और क्या, इतनी ऊपर से छलांग लगाओगे तो मरोगे नहीं तो क्या होगा? संध्या और उन बच्चों को मैं छोड़कर आ गया क्या? यस, यह अन्याय है भगवान। मेरे पैदा होते ही मंदिर बंद हो गया, उसका फिर से जीर्णोद्धार मेरे हाथों से करवाने के लिए उस मंदिर का दरवाजा आपने मुझे खोलने के लिए कहा था। इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारी विधि फे। तुम ही मेरी विधि हो भगवान, तुम्हारे बिना ये संसार क्या चल पाएगा? जीवन से लेकर मरण तक सब कुछ आपके ही तो हाथों में होता है। तुम्हारी इसी श्रद्धा को देखकर मैं तुम्हें वापस भेजना चाहता हूं। तुमने सिर्फ शरीर छोड़ा है, आत्मा को नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। रात रात जगकर गीता पढ़ता हूं, मेरी वजह से ना जाने वहां कितने लोग परेशान होंगे। उन लोगों को वहां पाठ सुनाने वाला कोई नहीं है भगवान, ये आपका कैसा न्याय है? कभी कभी बड़े हादसों के बाद भी इंसान की जान बच जाती है, और कभी छोटी सी गलती से उसकी जान चली जाती है। ये नियम तुम्हारे लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए है। सकल चराचर सृष्टि का एक ही धर्म है। मैं मरने वाला हूं आप जानते थे, तो फिर आपने संध्या के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ा? मेरी वजह से वो भरी जवानी में ही विधवा बन गई, पता है? कोई सोचता है कि पूरा जीवन जीने के बाद ही उसकी मृत्यु होगी, तो वो गलत सोचता है। फिर कैसे जीते हैं? हर इंसान मरते समय ये ख्वाहिश करता है कि वो और जिए, और मरने के बाद खुश होता है कि जिंदगी से छुटकारा मिल गया। मुझे सिखाने वाले आप हैं, अपना परिचय देने वाले आप हैं, जो मैं नहीं जानता था उसे बताने वाले भी आप हैं, मुझे जिंदगी जीने की आस दिलाकर मेरी जिंदगी छीनने वाले भी आप ही हैं। मेरी मौत के लिए मुझे ही दोषी क्यों ठहरा रहे हैं भगवान? सुनो मित्र, जहां कहीं भी मौत होती है वहां भगवान जरूर होता है। इंसान को पता चल जाए कि मौत कैसे होगी तो वो मौत से बचने की हर संभव कोशिश करेगा। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि सब कुछ मैंने किया है। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ तुम ही लोग करते हो। इसका दोषी इंसान खुद है, क्योंकि अहंकार इंसान के अंदर होता है, और अहंकार को ताकत इंसान का दिल देता है। बहुत से लोग हैं जो भगवान पर यकीन करते हैं। आज उस यकीन को आपने चोट पहुंचाई है। मेरे प्यार से आपने मुझे जुदा कर दिया, इसलिए मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बातें कर रहा हूँ। मुझे आज भी आप पर पूरी तरह से विश्वास है, और ये हमेशा हमेशा रहेगा। मैं अपनी जिंदगी को फिर से जीना चाहता हूँ कृष्णा, मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दो, लौटा दो कृष्णा, लौटा दो कृष्णा, लौटा दो कृष्णा। क्या है यार, तुम भी स्वार्थियों जैसी बात कर रहे हो, चल जा। कृष्णा, कृष्णा। Now he's safe, you can meet him. It's a medical miracle. He's safe. It's all right. किससे बात कर रहे थे अर्जुन? मेरे कृष्णा से। कृष्णा से? मैंने बिल्डिंग से छलांग लगाई थी, मुझे इतना तो याद है। लेकिन उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं भगवान के सामने खड़ा था। उन्होंने कहा वो हर मुसीबत से मुझे बचाएंगे। मैं काल और विधि पर पूरा यकीन रखता हूँ, लेकिन अर्जुन ने भगवान को मानने पर मजबूर कर दिया। उसके इसी विश्वास ने आज उसकी जान बचाई है। उसके विश्वास ने आज ये भी सिद्ध कर दिया है कि हर मुसीबत का तोड़ होता है, और इसका यकीन मुझे अर्जुन को देखकर हो गया है। भगवान हम में ही बसता है, सच्चाई ही विजय का रास्ता है।